हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम है अली जैन और आपका नाम है, ये तो आपको पता हो गया, मैं आपको क्यों नहीं बताऊंगा आपका नाम क्या है यार। मतलब क्या मजा आ गया कोई, मुझे, मैं कोई नजूमी हूँ, क्या मैं कोई वो साइंटिस्ट हूँ, मुझे आपका नाम पता हो गया, मैं कोई जादूगर हूँ। अजीब बात है, अजीब बात करते यार। खैर छोड़ो, तो आप लोगों ने देखा होगा यार, आज मेरे पीछे का व्यू बड़ा मजे का आ रहा है। मतलब यार तुम्हारे भाई ने लोकेशन चेंज की है, तुम्हारा भाई फिर मतलब पाकिस्तान से बाहर चला गया है। मतलब पाकिस्तान से बाहर आया हूँ मैं यार, इतनी मजे की जगह है यार, सांस चढ़ गया। ये मेरी पसंदीदा जगह यार, मतलब मैं यहाँ पर बहुत टाइम, मतलब यहाँ पर मैं स्कूल सॉरी कॉलेज टाइम फुटे मार के आता था यहाँ पे। हाय हाय हाय, मेरा अब्बा जान ब्लॉग देखेंगे, मेरी ठुकाई होगी। मजाक करो, मैंने कभी फुटा छुटा नहीं मारा, ना मुझे कुट छुट लगाना अबू से। अच्छा यार, सीन कुछ ऐसा कि ये है लेक व्यू पार्क, इस्लामाबाद का सबसे खूबसूरत पार्क है लेक व्यू पार्क। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, मतलब व्यूज़ कह रहा हूँ, मतलब यहाँ पर आपको पानी का व्यू भी मिल जाता है, और मतलब यहाँ पर बची बची मतलब पूंडी बहुत होती है यहाँ पे यार। रुको जरा, सबर करो। सबसे बड़ा मजा ये, पूंडी बहुत होती है यहाँ पे, लेकिन तुम्हारे भाई को पूंडी का शौक बिल्कुल नहीं है। तो यार मैं आया, मैं एक फ्रेंड के साथ था, लेकिन वो पता नहीं किधर चला गया। मैं वीडियोस बना रहा था, वो पता नहीं वीडियोस बनाते मतलब कहाँ चला गया, उसको ढूंढते हैं इससे पहले कि वो कहीं गुम शुम हो जाए। मैं रात हो गई है, मेरी जैकेट भी गुम होगी, अगर जैकेट मेरी गुम होगी तो मैं पता नहीं क्या करूँगा यार। एक मिनट, ओ मेरे ख्याल में सामने बैठा हुआ है, आए उसके पास चलते हैं, है गुस्से में क्योंकि मैं उसको छोड़ के भाग गया था। इधर से पूछते हैं क्या कुछ सीन छीन है। अस्सलाम वालेकुम। चल भाई बंद कर कैमरा। सॉरी यार, इसलिए आए हो? सॉरी। चल मत, चल चलो। अच्छा जैकेट तो दे दो। जाने दो, कोई जैकेट नहीं, चल मेरा पुत्र छुट्टी। सर्दी लग रही है यार। जैकेट नहीं है यार भाई, सर्दी लग रही है। कोई नहीं, आप कभी का उधर लगे हो यार, इधर हम अकेले बैठे हैं। अच्छा सर्दी लग रही है मुझे, सर्दी। अच्छा सॉरी सर, सॉरी। जाओ यार, मैंने कहा ना। अच्छा सॉरी सर, आप तो गुस्सा ही हो गए यार, देख लो फिर मैंने आपको। अच्छा भाई जाओ, कैमरा बंद करो। अच्छा ठीक है, सॉरी यार, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, बाय। मैं जा रहा हूँ। चल मेरा भाई, कहा ना जाओ, मैं सच्ची में जा रहा हूँ। जाओ यार, जाओ, मैं सच्ची में जाने लगा हूँ। क्या चाहिए क्या आपको? मेरी जैकेट। ये वाली? हाँ। ये मेरी अपनी जैकेट है। कौन सी जैकेट यार, मुझे सर्दी लग रही है। भाई जाओ यार, मैं यार जा रहा हूँ। इधर से निकालो यार, ये तंग करने आ गए। ओ जो, किसी को बताना नहीं है, क्यों कुट लगवानी है मेरी तुम्हें। वो सारे बोलेंगे तंग कर रहा है इसको। अच्छा दे देना जैकेट यार, यार कोई जैकेट वैकेट दे दो ना यार, कोई सीन सीन। अच्छा और बताओ, मजा आया? जबरदस्त सुकून यार, आप छोड़ के ही चले। यार मैं वीडियोस बना रहा था, तुम पता नहीं किधर गायब हो गए थे, कहाँ गए थे तुम? मैं इधर ही बैठा हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप गायब हो गए हो। ये कहाँ से तुम बड़ा डंडा आ रहे? ये डंडा देना पड़ता है लकी भाई की तरह, डंडा देना पड़ता है। वो प्रोग्राम तो बढ़ गया है। कल मैच के बारे में क्या कहना चाहोगे यार? मैच के क्या पूछो, ये पूछो ना कि मैच आगे कंटिन्यू जारी रहा है या नहीं जारी रहा। अच्छा हाँ सच, 151 के बाद क्या हुआ है? मैच ही बढ़ गया, मतलब मैच भी बढ़ यार, कसम से। मतलब पाकिस्तानी टीम बिक जाती है यार, 2011 में बिक गई थी, इनका कोई भरोसा नहीं है। ज़का अशरफ ने डॉलर जाके दिए है ना। कैसी अपमान जनक बातें कर रहा होता ये, असली है ये लोग। तो मैच ही बढ़ गया आगे, पता ही नहीं आरएस राव फौज में ये ऐसे बातें कर रहा हूँ, उनको आगे बता रहा है जैसे 10 ओवर में 80 मारा हुआ है। रोहित शर्मा ने कुत्ते की तरह मारा यार, मतलब दे मार 4.5 बाउंड्री के बाहर छक्के, उफ मतलब सही नानी याद दिलाई है। कम अज कम इनसे नेदरलैंड वाले तो सही, वो भी इनसे हराने वाले थे इनको, बस वो भी रिजवान बचा के चला गए थे इनको। में आज का जो सिस्टम चल रहा है ना, प्रोग्राम बाढ़ गया है, ये वही चल रहा है, मैच भी बाढ़ गया है यार। देखो मैच से पहले एक दिन पहले चेयरमैन जाके इनसे मीटिंग कर रहा है कि तुमने मैच को इस तरह खेलना है, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, पैसे दे दो, मैच हम वैसे ही जीत सकते, दे दो। मतलब यार तुम्हें, तुम्हारे में कोई गैरत नहीं है पाकिस्तानी टीम, तुम डूब, तुम्हारे डूब मर जाने का मकाम है यार, नहीं तो मैं तुम्हें बताऊं तुम्हें गोली मार दे बंदा। बस कर यार, रुलाएगा बस, रुलाएगा कितनी पुंडी हो रही है हर लड़का, मतलब लड़का लड़की लेके बैठा हुआ है। तो तूने ऐसा करना, तूने मेरी बनानी वीडियो, मैं वहाँ से गुजरूंगा उनके पास से, तो पीछे लगा देंगे मौलाना तारिक जमील का बयान, खूबसूरत सा बयान। मतलब तुमने, मैं जाऊँगा चलूंगा, तुमने बस सिर्फ वीडियो प्ले करनी है, ठीक है? काम कोई कपल से बोल देता हूं मैं, एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही है बहुत प्यारी है। कोई कपल वो क्या कहता है, या अल्लाह बस एक बार दिला दे, बस एक बार दिला दे। तो मतलब यार कोई लगाते हैं किसी से शुगल मुगल, मैं गुजरूंगा, आपने मतलब लगा पीछे से लगाएंगे मौलाना तारिक जमील साहब का बयान। तो ये आप पकड़ो ना जरा, ये पकड़ो आप, यूं आ जाओ जरा आगे आगे आ जाओ,
शाबाश आते रहो आते रहो, पीछे वो जो पीले से क्या उसको शाबाश। भाई मतलब ये है कि ये लेक व्यू पार्क है, बहुत खूबसूरत किस्म का पार्क है। यहाँ पर आपको हर किस्म की ब्यूटी नजर आ सकती है। बेहतरीन ब्यूटी मीन्स के यहाँ पे थोड़ा आगे आओ यार, आगे आगे यहाँ पे मुझे पता है वीडियो ब्लैक आएगी, आगे आओ थोड़ा आगे आई इधर इधर रोशनी में आगे। यहाँ पर मतलब यार यहाँ पर सीन ऐसा है कि आपने देखा कि पीछे वो डेट मार रहे थे हमने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया, अब लगाएंगे पीछे मौलाना तारिक जमील का बयान जिसमें वो कहता है कि क्या कहते हैं वो शादीशुदा वो बयान लगेगा, देखना है बड़ा मजे का बयान लगाएंगे हम लोग। और कोई है जिसको तंग करें? और कौन है वो बाबा बैठा है उधर, बाबा बैठा हुई लड़की को नहीं छोड़े। चल भाई चल, ऐसी जगह पे हमारा कैमरामैन फोकस कर, आ जा जल्दी कर जल्दी कैमरामैन फोकस करो, फिर बोल रहे प्रोग्राम तो बढ़ रही है। बाबा जा रहे जल्दी कर, मरवाई ना आ जा, मैं पकड़ा गया, मैं बोलूंगा मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। प्रैंक, कैमरा वो सामने लगा है, अभी मेरा ना बता दी मैं मेरे ऊपर आ जाए। एक मिनट, बाबा गया जरा आइसक्रीम लेने। हाँ जी, सीन ऐसा है कि बाबा गया आइसक्रीम लेने, बाबा जरा आइसक्रीम लेके वापस आए, फिर उसके साथ प्रैंक लगाएंगे। आपने की जाना ये मुझे मरवाने पे आया हुआ है ये बोलेगा वो देखो प्रैंक हो रहा है, कैमरा वो है, मेरा दिल नहीं गया उनको तंग करूं यार, वैसे बेचारे थे, उनकी उम्र थी कोई 60 years, उनकी 60-50 years उनकी एज थी, और उनके साथ जो उनकी मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो 23 years की, तो उसको आइसक्रीम खिला रही थी यार, मतलब मैं मेरा दिल कर रहा था मैं जाके उस पानी में छलांग लगा दूं यार, मतलब हम मर गए, हम आइसक्रीम नहीं खिला सकते, हमारे हार्ट टूटे हुए हैं, तुम छोड़ो यार। इधर एक लड़का बैठा है सिंगल, उसको मिलवाते हैं आपसे, वो बेचारा सिंगल बैठा है, आज पता करते हैं। हे ब्रो, यस ब्रो, सिंगल, यस अभी अभी आपसे हम दोनों सेम है यार, सिंगल सिंगल सिंगल, कोई तो मिला है जो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकेंगे। आप सच में सिंगल हैं? दिल खोल के बताऊं सिंगल हूं या डबल हूं? अपनी खुशी से सिंगल बैठे हैं? शदीद सिंगल, अपनी खुशी से सिंगल बैठे हैं, क्या करें, लास्ट वो पूछ, अपनी खुशी से सिंगल बैठे हैं, वो देख सकते हो आप, तेरा कैमरामैन फोकस कर, भाई कैमरामैन फोकस कर दे, ये चेक करें यार हमारे पास ये गणेश पानी आइसक्रीम आइसक्रीम है, ये अंकल सामने बैठे हुए हैं प्यारे से अंकल हमारे, कुट लगेगी प्यारी से किसी से कुट लगेगी सही वाली यार, किसको तंग करें, कोई सही वाला, वो बाबा बच गया बेचारा, बस उसकी शक्ल देके तरस आ गया यार, मतलब यार बाबे की उम्र 50-60 साल, बच्ची 25 साल, उसको आइसक्रीम खिला रही है यार, मतलब हम मर गए, हम नहीं खिला सकते आइसक्रीम, क्या करें, हमारे हाथ टूटे हुए हैं, इतने प्यारे प्यारे हाथ है हमारे, बस इनको कदर नहीं है हमारी, कदर आएगी इनको, कदर नहीं है हमारी यार, देखी बाबे आज दसवीं में ना गिर जाए यार। गाइस हम आपसे थोड़ा आगे लगाते हैं, शुगल बताएंगे आपको, थोड़ा मजा हम आपसे थोड़ा आगे जाके मिलते हैं, व्लॉग पूरा देखना है, शुगल मेला आपको मिलेगा, बहुत मिलेगा, अभी इनको पता है मेरा व्लॉग पूरा ही देखते हैं, बस ये आगे जाके देखते हैं, सिंगल सिंगल लोग बैठे हो, अपनी तरह के सिंगल लोग आए हमारी तरह, कुछ सिंगल लोग ढूंढते हैं, आज शदीद सिंगल आ जाओ बाबे, मुझे लगता है वहाँ किसी की फूट लग रही है, देख बड़ा रश लगा यार, चेक करो कि यार वो तो वहां में कसम है उसका, किसी को कुछ छूट लग गया, और जरा चेक करते हैं, मतलब यार ना कोई पकड़ा गया है भाई किसी ने, हम शदीद सिंगल ठीक है यार, हम शदीद सिंगल, हमने कभी गलत काम नहीं किया यार, कोई वाले भाई भी घूम रहे हैं, अरे चेक करो कैमरा में दिखाएंगे तो ऐसा ना हमारा चैनल ही ब्लॉक हो जाए, लड़ाई हुई क्या चक्कर है यहां पे, ये कपड़े फाड़ दिए उसके यार, वो इतना नहीं मारना चाहिए था यार, यार भावे ब्रॉक लेसनर है यार, बहुत बुरी तरह मारा है यार इसने उसको, बहुत बुरी तरह मारा है यार, जरा देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत बुरी तरह मारा है लोग बैठे हो जो हमारा दर्द महसूस कर सके आज,
तो हाँ जी गाइस फाइनली हमने घूम फिर लिया है, इंजॉय कर लिया है। बाकी यार इनको बता दो हमने जो व्लॉग में तंग किया, हम जस्ट ऐसे अच्छे लड़के हैं, हम लोग बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत सादे लोग हैं। देखिए हमने कपड़े भी खुले पहने हैं, सादा दिल के सादे लोग। हमें देखो कपड़े पहनने का भी नहीं पता, एक शर्ट बड़ी है एक शर्ट छोटी है। देखो दो कलर के कपड़े हमने पहने, वैसे दो कलर के पहने, मैंने खुली शर्ट पहनी, मतलब कपड़े पहनने का भी नहीं पता यार, मतलब इतने सादे लोग हैं हम। तो हम किसी के साथ क्या क्या कुछ कर सकते हैं, तो आप लोगों ने परेशानी होने इस बात से, हम बहुत 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 सादा लोग हैं। अभी हम दुनिया में भी आए हैं यार, अभी मेरी तस्वीर की तरह पता है आपको बहुत ही रहेगी बाबे के पास। ओ तुम मेरी तस्वीर फेंक के आ गए हो यार, चलो कोई नहीं, आ गया कि तस्वीर दोबारा ले लेंगे। टोपी किधर है मेरी, अभी ने बोला बाबे को दिया यार। टोपी तो ले गए ना उस टाइम पे, फिर पता नहीं चलता ना यार, तस्वीर उस टाइम नहीं नजर आती, उस टाइम बाबे कुछ और ही होता है। मतलब यार तो हमारी टोपी भी गुम होगी, हमारी तस्वीर भी गुम होगी, मतलब गुम नहीं होगी, हमने बस घुमा के आ गए। मतलब पता है मसाला फिर लगा लेते हैं, इधर ही नमाज का टाइम है वैसे भी। हाँ इधर लगा ले बीच में, हाँ इधर ही साथ। चलो यार आओ फिर हम यहाँ पे इमामत करवाएं, फिर कर सकते हैं अगर ये करवाना चाहें तो। हाय यार आपको गाना गाने आते हैं यार? गाना हम सादे से लोगों को किधर गाना बजाना आता है? बजाना तो ना पूछो, बाबे से पूछ लो उसकी कैसी बजाई है। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुम्हें मिलना पड़ेगा, फसाना हुआ कहानी सुनो खत्म। मतलब यार ये व्लॉगिंग हो रही है, शुगर लग रहा है व्लॉगिंग, डोंट बी सीरियस, डोंट टेक इट सीरियस। इसके पीछे किधर है? इसमें तो नहीं है बचड़ी का यार, लंदन भागे ना, इस ट्रेन को पकड़ के लंदन निकल गया था वो। इंडिया आ गए लेकिन नवाज शरीफ वापस नहीं है, यहाँ से गया वो आगे समंदर से निकला, दरिया में उसने मारी अपनी बोट, वहीं से फरार हो गया। मतलब बीचों बीच लंदन पे, किधर लंदन में रहता है ना वो, लंदन में रहता है वहाँ पे चला गया यार। चेक करें, सुनता है ना, जब ट्रेन भी चोरी कर दी, ट्रेन भी यहाँ से गायब हो गई है, सारा ही कुछ गया भाई। मतलब एक ट्रेन चलती थी बड़े मजे की, पहले तो प्रोग्राम बड़ा है, हाँ। कहानी वाली है यार, वो ट्रेन उसको चाहिए था कि ट्रेन तो वापस कर जाता मैं यार, ट्रेन भी गायब कर गया यार, खुद ही वापस आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। सही बात है, उसे हमारे इमरान खान को वार्ड दियो क्या, प्रोग्राम तो बढ़ गया तो इमरान खान भी बढ़ गया। इमरान खान को फिर आएंगे, जल्द आएंगे इंशाल्लाह, जल्द बेटा। खान साहब ने बताना है कि खान साहब वापस आएंगे या नहीं। खान साहब पे 100 पर्चे हैं, वो एक पर्चे से भरी होते, दूसरा पर्चे उनके सर पे होता, तो खान साहब मुश्किल है बाहर आए, क्योंकि भाई नवाज शरीफ बड़ा कोई चोर बंदा है। कैसा लगा मेरा मजाक? एक नंबर का चोर है, लग रहा है खान साहब का स्पोर्टर जा रहा है, हंस रहा है मैं देख के यार। सही बात है यार, अब आप यकीन माने नवाज शरीफ चोर है, मान लो एक नंबर का चोर है वो, मेरे मुंह से कुछ सुनेगा वैसे कुछ पता चले कि नवाज शरीफ का स्पोर्टर हो तो फिर मारे बाबे बाज का घर भी पहुंचना है। हां के मारे बात कर दे। अच्छा यार सॉरी यार, नवाज शरीफ बहुत अच्छे, नवाज शरीफ बहुत अच्छे इंसान है, नवाज शरीफ ग्रेट लीडर, गंजा इज ग्रेट, ग्रेट पटवारी। हाँ जी तो वेलकम बैक। ऐसा कैसे हो सकता है मैं तेरे यहाँ गोलगप्पे खाने ना भैया, तुम्हें पता है चाचा के बड़े मशहूर गोलगप्पे हैं, चेक करें जरा। आज मैंने कहा भाई को भी चेक कराऊं, मजे के मजेदार, मतलब चेस आ रही है भाई, बहुत मजे के गोलगप्पे हैं, बहुत मजे के इनके खाओ गोलगप्पे, एक दफा खाओ तो बार बार आओ। मजेदार ठीक है, वो ऐड करेंगे, मजेदार एक मजेदार वाली मीम सही हो गया यार, मैं करें को मीम वो भी ऐड करें, प्रोग्राम तो बढ़ गया फिर अब तो साहब के चेहरे मिलते हैं आप।